नमस्कार दोस्तों, हम सभी किसी न किसी रूप में माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करते हैं। कोई विद्या प्राप्ति के लिए करता है, तो कोई स्मरण शक्ति को अच्छा बनाने के लिए, तो कोई संगीत के लिए माँ सरस्वती की आराधना करता है। लेकिन बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करने का एक अलग ही विधान है। जगह जगह यज्ञ आयोजित किए जाते हैं, माँ की बहुत धूमधाम से पूजा की जाती है। तो हम में से बहुत कम ही लोगों को ये ज्ञात है कि माँ की पूजा मुख्यतः बसंत पंचमी पर क्यों की जाती है। तो आइए आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि माँ सरस्वती को बसंत पंचमी पर क्यों पूजा जाता है। सृष्टि का निर्माण करने के बाद, यानी हमारी पृथ्वी का निर्माण करने के बाद, जब ब्रह्मा जी ने अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा तो वह शांत नजर आई, क्योंकि इसमें ना तो कोई स्वर था और ना ही वाणी। अपनी इस उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश। जब अपनी सृष्टि को इस प्रकार शांत देखकर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, तब विष्णु जी ने उन्हें कहा कि देवी सरस्वती आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती हैं, आप उनका आह्वान कीजिए, यानी उन्हें बुलाइए। उनकी वीणा के स्वर से आपकी इस सृष्टि में ध्वनि प्रवाहित होने लगेगी। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का आह्वान किया। देवी के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। सरस्वती जी ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे अचानक सा शब्द फूट पड़ा, जिसे कि हम संगीत में षडज स्वर के नाम से जानते हैं। यह संगीत के सप्त स्वरों में प्रथम स्वर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं, सागर, पशु पक्षी एवं अन्य जीवों को वाणी मिल गई। दोस्तों, इससे पूर्व सभी जितने भी जीव थे सब शांत थे। किसी के पास कोई आवाज नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई हंसना नहीं, रोना नहीं। तो ऐसी मूक सृष्टि से सृष्टि होने का क्या फायदा था। जब माँ सरस्वती की कृपा से इस सृष्टि में ध्वनि आई, नदियों से कलकल की ध्वनि आने लगी, तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित किया और उन्हें एक नाम वागीश्वरी दिया, यानी जो सृष्टि में वाणी प्रदान करती है। क्योंकि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई थी, अतः बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, हमें ये पता चला कि बसंत पंचमी माँ सरस्वती का जन्म दिवस है। जन्म दिवस अर्थात इसी दिन ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का आह्वान किया और जिसके कारण वह सृष्टि को वाणी देने के लिए प्रकट हुई। तो अब हम सभी को लगभग ज्ञात हो चुका है कि बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है, क्यों इस दिन माँ की पूजा करने का इतना महत्व है। धन्यवाद।